आज हम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, इन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आर ए इज इक्वल टू 2.2 किलो ओम, आर बी इज इक्वल टू 3.9 किलो ओम एंड कैपेसिटर सी इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो फैरेड। डिटरमाइन द पॉजिटिव पल्स विड्थ टी सी, नेगेटिव पल्स विड्थ टी डी एंड फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी एफ ओ। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हमें गिवन है आर ए इज इक्वल टू 2.2 किलो ओम। आर ए गिवन जो है वो है आर ए इज इक्वल टू 2.2 किलो ओम, आर बी है 3.9 किलो ओम और कैपेसिटर जो है वो है 0.1 माइक्रो फैरेड। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, पल्स विड्थ जो टी सी है, चार्जिंग कैपेसिटर का जो टाइम पीरियड है वो डिटरमाइन करना है और नेगेटिव पल्स विड्थ मतलब डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड जो है उसकी पल्स विड्थ हमें कैलकुलेट करनी और उसके साथ साथ फ्री रनिंग फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस भी हमें कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर से हम ये सॉल्व करेंगे कि टी सी, टी डी और एफ ओ क्या है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे टी सी। टी सी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास टी सी इज इक्वल टू 0.69 इंटू आर ए प्लस आर बी इंटू कैपेसिटर। ये चार्जिंग टाइम का फॉर्मूला है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा टी सी इज इक्वल टू 0.69 इंटू आर ए की वैल्यू हमारे पास 2.2 किलो ओम, तो 2.2 इंटू 10^3 प्लस आर बी की वैल्यू है हमारे पास 3.9 किलो ओम, तो 3.9 इंटू 10^3 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की वैल्यू है 0.1 माइक्रो फैरेड, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो मतलब 10^-6। इस तरह हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया आर ए, आर बी और सी की। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो चार्जिंग कैपेसिटर टी सी हमें मिलता है 0.421 मिली सेकंड। अब कैलकुलेट करेंगे हम डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड टी डी। डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड टी डी, डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड टी डी का फॉर्मूला होता है 0.69 इंटू आर बी मल्टीप्लाई बाय सी और इस पे वैल्यू पुट करेंगे 0.69 इंटू आर बी है 3.9 किलो ओहम मतलब 10^3 ओहम इंटू कैपेसिटर सी है 0.1 माइक्रो फैरेड, 0.1 इंटू 10^-6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो टी डी हमें मिलता है टी डी इज इक्वल टू 0.269 मिली सेकंड। 0.269 मिली सेकंड ये है हमारा डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड। इसके ऊपर से हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास टोटल टाइम पीरियड होना जरूरी है, तो टोटल टाइम पीरियड होगा टी सी प्लस टी डी और इसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एफ जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड टी। तो टोटल टाइम पीरियड टी मतलब टी सी प्लस टी डी इज इक्वल टू, देखो एफ जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन टी सी है हमारे पास 0.421 मिली सेकंड, तो 0.421 मिली सेकंड और टी डी भी है मिली सेकंड में, तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे 10^-3 में, तो टी डी है 0.269 और दोनों मिली सेकंड में है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10^-3। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड।
इसको अगर कैलकुलेट करते तो हमें वैल्यू मिलती 1.45 × 10³ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी है इसलिए हम यूनिट लिखेंगे हर्ट्ज। इसको इस तरह से लिखेंगे 1.45 किलो हर्ट्ज। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ जीरो, दैट इज 1.45 किलो हर्ट्ज। ये है हमारा चार्जिंग टाइम पीरियड 0.421 मिलीसेकंड। ये मिला हमें डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड 0.269 मिलीसेकंड। और फ्रीक्वेंसी मिली है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1.45 किलो हर्ट्ज।